किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की मदद करने के समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आइकॉनिक बॉय और आप देख रहे हैं आइकॉनिक स्टोरी बुक। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही। एक भाई साहब की जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए, और फल वाले की दुकान पर गए तो जा करके उन्होंने भाव पूछा कि केला क्या भाव है, एप्पल का क्या भाव है, भाव चल रहा है। जो दुकानदार ने फल वाले ने कहा, भाई साहब केले तो 40 रुपये दर्जन है, वो सेब का भाव चल रहा है 120 रुपये किलो। उसने जैसे ही बोला तो ये बोलने लगा कि बहुत महंगा चल लग रहे हैं, थोड़ा ठीक ठाक करके लगाओ। हम सब में मोल भाव की आदत तो होती ही है। वो सब चल रहा था, तभी वहाँ पर एक महिला आती है। उस महिला ने फटे और पुराने कपड़े पहने हुए थे, और जब वो आती है और भाव पूछती है कि केले किस भाव दिए और एप्पल किस भाव दिए, सेब का क्या भाव चल रहा है, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है वो तो चल रहा है 5 रुपये दर्जन, और सेब का जो भाव है वो 25 रुपये किलो है, आप ले जाइए। तो जैसे ही यह बात पहले आए उस भाई साहब सुनते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, मन में गालियां देने लगता है कि ऐसे बदतमीज दुकानदार है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब बताओ वो किस किस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हो। वो महिला आई तो उसने दाम कम कर दिए। इस तरह से बहुत कुछ उसके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगा। इधर ये जो महिला आई हुई थी, उस महिला ने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दो, 2 और 1 किलो सेब दे दो। फल वाले ने फटाक से तोल दिया, फल जो था उसे दे दिया, और वो महिला वहाँ से जाने लगी तो बहुत बड़ी खुश थी। ऊपर वाले को धन्यवाद कह रही थी, प्रभु आपकी कृपा से आज बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वहाँ से थोड़ी सी दूर गई, ये जब पहले से आए हुए हैं सब भाई साहब थे, वो गुस्से में बड़बड़ाने लग गए कि बदतमीज हो तू, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये है वो समझ गया क्या रहा है, तुमने महिला अभी तो तुमने दाम कम कर दिए, और इतने कम कर दिए 40 रुपये दर्जन केला मुझे बता रहे हैं, और उनको बता रहे हैं 5 रुपये के दर्जन, 120 रुपये किलो एप्पल बता रहे हैं, और उनको कह रहे हो 25 रुपये किलो, ये कैसा डिफरेंस है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बहुत गुस्से में था फल वाले ने कहा, भाई साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो। बता क्या कहना चाहता है। फल वाले ने कहा, जो महिला अभी आगे गई ना, उनके पति को मैं जानता हूँ, उस समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई, उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कई बार प्रयास किया कि उनकी मदद कर दूँ। यहाँ आप सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं, यहाँ पास में ही रहती है, बहुत लोगों ने कोशिश की उनको थोड़ा पैसा दे देने की, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाने, लेकिन ये तो यार नहीं है, वहाँ बहुत खुददार है, लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई करती है, जूठे बर्तन मांजती है, सफाई करती है, सब करती है, अपनी खुददार से जीवन जीती है। तो मुझे जब लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा कि कभी अगर मैं दुकान पर फल खरीदने आएगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा। भोली भाली है, ये सोचती है कि यही भाव चल रहा है, और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वो जो गुस्से में थे पहले से भाई साहब, उनका गुस्सा बहुत शांत हुआ है, और यहाँ जो वाला था यहाँ कहने लगा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी कभी आती है, 20-25 दिन में एक बार, लेकिन याद रख कि जब भी आती है मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन यहाँ आती है ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब मैं तो अपनी तरफ से ये थोड़ा सा मदद करने का भाव रखता हूँ, ऊपर वाला पता नहीं कैसे किस भाव से मेरी ये जो छोटी सी झोपड़ी है इसमें बहुत खुशियों से भर देता है। इस कहानी की सीख, किसी भी बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत मत समझो, क्योंकि किसी भी बात के पीछे ना जाने कितने कारण होते हैं। छोटी ही सही, लेकिन मदद जरूर करना,
देखना कितना खुशी मिलेगी दोस्तों। आप यहाँ स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।